चलिए ये सवाल भी ध्यान दीजिएगा। तो आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 4.3 शुरू करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले 4.2 देख लिए थे, है कि नहीं। तो हेडिंग बनेगा 4.3 कितना, 3। एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। और इसी में आपको जो है ग्राफ सिखाएंगे आज, ठीक है। पहला ही प्रश्न ग्राफ का है, क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए। कह रहा है दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। आलेख का मतलब होता है ग्राफ, ठीक है। आलेख का मतलब होता है, हाँ, इंग्लिश में हम लोग ग्राफ बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आलेख, ठीक है। समझ आ गया रे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 एक्स प्लस कथी वाई बराबर कितना है, 4। यही है क्वेश्चन, देख लो गौर से। एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, इसका जो है आलेख खींचेंगे। और भी क्वेश्चन है तो पहले ये ओके देख लेते हैं। चलो आलेख खींचने के लिए हमने आपको बताया है, मतलब समीकरण सॉल्व जब कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि बनाने की कोशिश करना है आपको, कैसे कोशिश करना है कि ए ओके जो सिंगल है उसको एक तरफ रख ले या बाकी को दूसरे तरफ भेजे, है ना। जब दोनों सिंगल रहे तो क्या कीजिए, एक्स को एक तरफ रख लीजिए, वाई वाला को भेज दीजिए। इन्हें बताया था तरीका। तो क्या करेंगे, इसमें सिंगल तो दोनों है तो क्या करेंगे, हम एक्स को एक तरफ रख लेंगे, दूसरे तरफ वाई को भेज देंगे। समझ में आया। और जो क्लियर रहेगा उसका वैल्यू नहीं रखा जाता है, जो सटल होता है उसका वैल्यू रखोगे तो अगला के वैल्यू मिलेगा। जैसे इसमें तो दोनों क्लियर है, मतलब 4 इधर एक्स में, सॉरी वाई इधर प्लस में, उधर कथ में हो जाएगा माइनस में हो गया। तो बताओ क्लियर कौन हो गया, एक्स की वाई, एक्स क्लियर है, एक्स के साथ कोई नहीं है ना, जोड़ में है ना, तो किसका मानेंगे, किसका निकलेगा, किसका मानेंगे बताओ, एक्स का मानेंगे और वाई का निकलेंगे। वाह पागलों के शहर में, महापागल सर, वाई के वैल्यू रखेंगे तो किसका निकलेगा, रिवीजन का क्या आया है ना, वो भी चेक कर लेंगे, थोड़ा सा टेंशन मत लो, ठीक है। किसका रखेंगे वैल्यू, वाई का रखेंगे, तब जो है किसका निकलेगा, एक्स का। पहले डायरेक्ट बनाना सीखो, फिर हम जो है विधि से बताएंगे, ठीक है। पहले ग्राफ हम डायरेक्ट बता रहे फिर बना के बताएंगे। आइए तो क्या करेंगे कि पहले बना के बता दे फिर डायरेक्ट बताए, हाँ चलो पहले बना के बता देते हैं। तो किसका वैल्यू रखेंगे, किसका रखेंगे बताओ सब, कलम कॉपी जो भी चीजें एकदम छोड़ दो, बोर्ड पर ध्यान दो। तो लिखेंगे वाई बराबर 0 पर, ठीक है। इसको चाहो तो तुम ई लाइन को ऐसे भी लिख सकते हो, वाई रहने देता है 4 इधर एक्स को भेज देता तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो उस स्थिति में किसके बराबर लेते, किसके बराबर, यानी इस समय कथी हो गया, एक्स का रखना पता, देखो यहाँ पे दोनों में कुछ देखो दिख रहा है, आए इधर कथी है वाई, इधर एक्स है, तो सटल जो रहता है यानी जो किसी के साथ रहेगा उसका वैल्यू रखा जाता है, और जो क्लियर रहता है उसका वैल्यू प्राप्त होता है। तो तुम ऐसे भी करके बना सकते हो या ऐसे भी करके बना सकते हो। यदि ऐसे बनाओगे तो एक्स का रखना पड़ेगा, और ऐसे बनाओगे तो किसका रखना पड़ेगा, वाई का। बोलो समझ में आया। लेकिन हम एगो बात बताते हैं ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। वाई के रख लो चाहे एक्स के, किसको रखे बताओ, वाई के रख ले, वाई के रख लेते, ठीक है। चलो वाई के रख लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी रख सकते हो लेकिन, ठीक ना। चलो तो वाई वाई के रखेंगे तो क्या करेंगे, वाई ऐसे हो गया तो ये हमको नहीं चाहिए, उधर भेज दो इसको, 4 माइनस का थी एक्स, बोलो 4 माइनस में कैसे आया, चूंकि इधर कथी में था प्लस में था। आइए अब जो किसको वैल्यू रखिएगा, एक्स बराबर कितना, 0 पर। पहले ट्राई करना 0 पर रखने का, ठीक है। तो 0 रखेंगे, एक्स का वैल्यू 0, आइए तो वाई बराबर कितना, 4 घटे 0, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया, 4 में 0 घटे कितना, हाँ कोई, तो समीकरण जो है क्लियर देखना ना, क्लियर कौन है, यहाँ वाई क्लियर है तो एक्स का मान रखना, एक्स क्लियर होगा तो वाई वाई का मान, ठीक है। चलो बोलो समझ आया यहाँ पे, एगो वैल्यू निकल गया, एक और निकालो, अब कितना लोगे, एक्स वैल्यू 0 ले लिया, आप कितना लेगा, एक पर। आ जा फिर समीकरण उतार, समीकरण कहाँ है, यही है वाई बराबर 4 माइनस एक्स, ठीक है ना। समझ में आ रहा सबको, चलो डायरेक्ट हम अथी कर रहे हैं, ठीक है, हाँ एक ना। चलो यहाँ पे देख लो फिर से समीकरण लिख दे रहे हैं, बड़ा कितना 4 माइनस का थी है एक्स है, ठीक ना, यही ना था, यहाँ पे कैसे था 0, तो कितना गया
चार, ठीक है। वाई बार चार माइनस एक, समीकरण बार बार समीकरण लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लिख दे, चलो चार के माइनस तो माइनस सब, कितना लिया एक्स की जगह पे, कितना जगह वैल्यू, दो को निकालो या तीन को निकालो, काफी है, कैगो निकाले, दो को, जितना मन उतना निकाल सकते हो, चूंकि अनंत होगा इसका जो पता है, तो हम दो को निकाले, ठीक है। और निकालना चाहते निकाल सकते हो, आओ निकाल दे, आगे से दो निकालेंगे, इसमें तीन को निकाल देते, चलो सिखाने के लिए जा, पहले कितना मानोगे ना, एक्स बार कितना रखोगे बुआ, दो पर, तो वाई बराबर कितना है समीकरण, चार माइनस सब बोलिएगा, चार माइनस कितना, तो चार के चार यहाँ पे एक से दो, तो चार घटे दो तो कितना गया, बोले समझ में आ गया, तो लिखेंगे मान सारणी, क्या को वैल्यू रखे हैं, तो तीन को घर बनाइए, एक्स वाई क्या घर, तीन जीरो रखिए है, एक्स का वाई कितना निकला है, जीरो रखे थे चार निकला है, जो एक बोला उसको लगा दो एक थप्पड़, थप्पड़, फिर एक एक्स का एक रखे हैं, कितना आया है वाई का, फिर एक्स का जो है दो रखे है, तो वाई का कितना आया, बोलो समझ में आया। आज मान लेते हैं कि हमको समीकरण नहीं है, सॉल्यूशन सब तंगा भूल जाओ, हो गया ना, सॉल्यूशन सब तंगा का जो जाओ भूल जाओ, इतना करने के बाद देखो डायरेक्ट कैसे निकलेगा, सर डायरेक्ट माइंड में आना चाहिए, लेकिन जो घटाव का रूल आना चाहिए तभी बनेगा। आ जाओ तो मान सारणी ऐसी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ऐसी मान सारणी बना लेंगे, ठीक है, डायरेक्ट बनाना होगा तो ऐसी मान सारणी बना लेंगे, सॉल्यूशन कुछ नहीं करना है, इतना खाली निकाल लेंगे, ठीक है, एक लाइन, उसके बाद क्या करेंगे, ये ना एक्स का वैल्यू लेंगे कथी जीरो, तो चार में से जीरो और लिखे कितना, चार के चार। फिर एक रखेंगे तो चार में से एक गले था कितना, तीन। फिर दो रखेंगे तो चार में से दो गले था, आया सेम, तो ये हो गया डायरेक्ट, कितना करने की जरूरत, तो हम ये भी बता दिए आपको, ये भी बता दिए, ठीक है। अब इसका दर्शाएंगे ग्राफ, कथी दर्शाएंगे, आ जाओ हम बोर्ड पर बता देते हैं, फिर कॉपी पर बता देंगे, ठीक है, चलो कितना अंक है, चार तक है ना, तो चार तक लेना, माइनस वाला है क्या, माइनस वाला नहीं लिया है इसमें, माइनस वाला है ये नहीं, ये होता है मूल बिंदु, कैसे होता है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, आई पता है ना, ई वाई होता है ई वाई डैश, ई एक्स होता है ई एक्स डैश, ठीक ना, माइनस वाला है नहीं, तो एक दो को लिख लो, माइनस एक माइनस दो, माइनस एक माइनस दो, सबके बीच का दूरी सेम होना चाहिए, ठीक है। आ जाओ तो कैसे दर्शाएंगे, ऐसे ग्राफ पर भी दर्शा के बताएंगे, हिंदी में एकदम लाइन पे काटना, यदि किसी कोई कॉपी ग्राफ का नहीं लाया तो हिंदी में एकदम लाइन पे काटना, लाइन कभी पे काटे हुए, लाइन पे काटना, बन जाए आराम से। आइए क्या करेंगे भाई, पहला जीरो है, हम पहले ही आपको पढ़ा दिए हैं कि एक्स, सुन लो पहले, एक्स जीरो जो है वाई पर होता है, और वाई जीरो किस पर होता है, एक्स पे, पढ़ाए ना रे तीसरा चैप्टर में नियामक ज्यामिति में, आए आ जाओ, तो एक्स का जीरो किस पे होगा, इस पे होगा, ये पूरा पे होगा, और वाई कितना, चार, तो यह पॉइंट होगा कथी जीरो कॉमा, पहले एक्स का वैल्यू लिखा था, पहले वाई का, तो इसको लिखा गया जीरो कॉमा कितना, चार। आइए फिर कितना है, एक्स का एक, अभी लिखना एक्स का एक, वाई का कितना, प्लस वाला है ना, देख लो तो प्लस वाला वाई के इधर ना दर्शाएंगे, आ जाओ इसके सामने, कितना लिखेंगे, एक्स का एक और वाई का तीन, ठीक है। फिर आइए दो और दो, एक्स का भी दो वाई का भी दो, है ना, दो कमा थोड़ा और ऊपर होगा, हो गया, ऐसी ना दर्शाएंगे हो, अब कथी करें हम, इसको लाइन काटना है, तो लाइन काटना है तो ऐसे सीधा कट जाएगा, ठीक ना, कटा कॉपी पे अच्छा से बनेगा, ग्राफ की कॉपी पे, चलो ऐसा क्या करो, अभी इसको पहले उतार लो, चाहे उतार लेना बाद में, पहले कॉपी ला, पहले हिंदी कथी हिंदी ग्राफ दोनों की कॉपी ला बनाते हैं उस पर, चलो जो चले लाइए, प्रकार लाइए और आप लोग कॉपी पर देखिए, अंक जो है देख लेंगे, अंक मान सारणी में कितना तक है, तो चार तक है, जितना अंक रहेगा उतना ही तक हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना, अंक कितना तक है, चार तक है, और ध्यान देगा यहाँ पे सब, यदि सीखना है तो,
ये सीखना है तो ध्यान दो क्योंकि सीखने आया है यहाँ। ए में ना सटना, कैमरा में ना सटना, कोई ना तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, लाइन पर ही मानना कुछ हो। ठीक है, चलो हो गया। लाइन पे जो है काटने की कोशिश करना। हम बहुत डबल बना दिया, आप लोग डबल नहीं बनाएगा तो चलेगा। देखो लाइन से तंगा हट गया, माइनस कर लेना, आप लोग लाइन पे देना। ठीक है, चलिए सर, ये हो गया वाई डैश ई वाई है ना, ई एक्स, और ये हो गया एक्स डैश। हो गया, ये होता है मूल बिंदु, पता है ना। लाइन पर देंगे कितना हो गया, एक दो तीन, ज्यादा हो रहा है ना। देखो लाइन कितनी को है, चार, ये जितना को उतना ही लेना चाहिए था। ठीक है, चलो आप लोग सही से लीजिएगा, एक दो तीन, और लेना है तो और ले लो, पाँच। अच्छा ये अंक इधर लिखो चाहे इधर, उसको मतलब नहीं है। चलो माइनस में एक, माइनस में दो, माइनस में एक, माइनस में दो, माइनस वाला नहीं है इसलिए ज्यादा ना लिखे। ठीक है, हिंदी में बता देते फिर ग्राफ में भी बता देंगे। चलिए मान सारणी में देखा होगा, मान सारणी, अभी मान सारणी लिखा है ना, मान सारणी क्या था, मान सारणी में वैल्यू एक्स और वाई था, जीरो रखा था तो चार आया था, एक रखा था तो तीन, दो रखा था तो दो, ये ना था। तो जीरो तो एक्स वाला जीरो इस पे होता है और वाई का चार, याद है दो, जीरो कॉमा कितना, ये ना होगा जीरो कॉमा चार, पहले एक्स का लिखा था फिर वाई का, हो गया। फिर कितना है बुआ, एक, एक्स का एक, वाई का तीन, एक्स का एक वाई का तीन, सामने सामने आ जाओ, इधर से इधर से, ग्राफ में परफेक्ट बनेगा। ठीक है, ग्राफ में परफेक्ट, एक कॉमा कितना हो गया ये तीन, फिर कितना है दो दो, एक्स का भी दो वाई का भी दो, है ना, है दोस, सामने सामने दिख रहा है दो कॉमा। अब इसको क्या करो, काट दो, लगभग तीन पर कटेगा हो सकता है, तो देखना। ठीक है ना, ग्राफ में बनाओगे तभी पता चलेगा। हो गया ही, चलो अब इधर क्या करना, समीकरण लिख देना है। ठीक है, समीकरण कितना था बताओ तो बुआ, हटो बुआ, एक्स प्लस वाई बराबर, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, ये हिंदी में बन गया है, आज अब अथी में बनाओ ग्राफ में, पकड़ो बुआ, किसका है कॉपी, चलो ग्राफ में इधर सोल्यूशन उतार लेना, इधर ग्राफ बना देते। ठीक है, चलो एगो हम बना देते, बाकी सब तू सब बना लेना, आ जाओ सर। हाँ, आप लोग पेंसिल से बनाइएगा, हमसे गलती ना होगा, आपसे हो सकता है गलती हो जाए। चलिए लाइन दिख रहा है, देखो ये सब लाइन जो है दिख रहा है, मोटका मोटका लाइन दिख रहा है ना, ये सब मोटका के बीच में जो है दस दस को लाइन होता है, गिनना गौर से, और सब दसों के बीच में ये पतरका लाइन दिख रहा है, ये पांच पांच के बीच में होगा। ठीक ना, कितना कितना के, पांच पांच हो गए, यानी साढ़े चार लेना होगा ना, तो चार और पांच के बीच वाला ये हो गया, तो ये साढ़े चार हो गया। ठीक है, चलो आएगा वैसे तो दिखाएंगे, चलो बनाए हम। चलिए सर, थोड़ा दिख कम रहा है, ये क्या हंस रहा है, अत्ता दूर से धैले हैं तो दिखेगा ज्यादा। हो गया, चलो ध्यान देना भाई, थोड़ा सा बैक लोगे तभी लाइन पर कटेगा, ये तो पता होना चाहिए। हो गया, इसमें दो गो बन सकल हो, दिमाग लगाए बेटा। चलो ग्राफ सिखा रहे हैं, गौर से देखो कितना हो गया, ये एक, एक हो गया दो तीन चार, पांच को भी दे सकता है, चार तक काम चला सकते हो, एक दो तीन चार, यहाँ पे माइनस एक माइनस दो, लाइन पर, लाइन पर हुआ ये पर। ठीक ना, माइनस चलता है ये ना, तो छोड़ो ना ना, रहता था लिख देते, एक दो, ये था एक्स और ये था एक्स डैश, ये था वाई और ये था वाई। चलो मान सारणी का ध्यान है, मान सारणी कितना, देखो इधर हम लिख देते हैं, हालांकि तू पीछे लिख लेना, मान सारणी, रे बुआ हिलाओ मत रे, कितना बुआ, इधर हम लिख दे, तू सब पीछे लिख लिए, एक्स है ई वाई है, कैसे लिखा लो, कट्टा कट लो, जीरो और चार, एक और तीन, दो और दो, ठीक से ये एक्स्ट्रा कट गया। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, इसके पीछे उतारना तो मान सारणी, इसके पीछे लिख लेना। ठीक है, आ जाओ भाई मिलाएं, चलो हिलाओ मत भाई, कितना है जीरो और चार, तो एक्स जीरो इस पे होगा, वाई एक्स पे, और चार है ना होगा, जीरो और चार, लिखेंगे जीरो कॉमा चार, पहले एक्स वाला वैल्यू लिखाता है। ठीक है, अब देखो एक, एक्स का एक, वाई का तीन, एक्स इधर से जाएगा, वाई
हाथ ऐसे दोनों देखो, काटना नहीं, पहले ऐसे जाओ मिला, यहाँ मिल रहा है कितना हो गया वो है? एक कौमा तीन, पहले एक बार लिखा जाता है, फिर कितना है? दो कौमा दो, दो इधर से दो इधर से आ जाए, दोनों कहाँ मिले क्या? दो कौमा मिला दो, चार पे न कट के कहाँ कट रहा है देखो गौर से, हाँ चार पे कट रहा है ठीक है, हम लोग तीन पे काटे हैं तो ग्राफ में सही से कटता है ठीक ना, ग्राफ में सही से कटता है, उसे पर ध्यान दे देना चाहिए था आपको ठीक है। हम लोग वहाँ पर बनाए तो वहाँ ग्राफ तो नहीं है, वहाँ लाइन समतल भी नहीं है, मतलब बराबर नहीं है, इन्होंने कर सकता है ठीक है। समीकरण लिख दीजिए कितना है भाई, एक्स प्लस वाई बराबर चार, तो ये ग्राफ पर भी बना दिया हिंदी कॉपी पे और बोर्ड पे बना के बता दिया ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको अभी जाके पहले इसको उतार लो सोल्यूशन को, और फिर जो है क्या करो बनाओ। चलिए ये ग्राफ हो गया ना, आए चलिए आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर कितना देखिएगा, दो, चलो सेम है क्वेश्चन, बस तनका सा अंतर है, एक्स माइनस वाई बराबर कितना दे दिया है, हाँ वो से कोई मतलब है नहीं इस समय, अरे सुनो ना इस समीकरण का मतलब कोई समझा है, अभी जो बनाया है उस समीकरण का अर्थ समझा है कोई, समझो तनका सा अर्थ समझो पहले, इसका मतलब क्या था कि दो को चीज जोड़ के कितना आना चाहिए, चार, चार। थोड़ा सा ये डेवलप करो, दो को चीज जोड़ के कितना आना चाहिए, यानी कहने का मतलब कैसे दिमाग लगा सकता है, ई हो सकता है कितना, देखो यहाँ पे पकड़े सब कह रहे, यहाँ पे दो हो सकता है, ये भी कैसे हो सकता है, आया है कि नहीं भाई, दू दू आए, यहाँ पे ई एक, एक हो सकता है तो ये कितना हो सकता है, तीन, या ई तीन ई एक हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना, इसलिए तो इसका अनंत हल होता है, अनंत हल होता है, एक हल नहीं हुआ, ये हो सकता है जीरो होगा तो कितना होगा, चार होगा, ये चार होगा तो हो सकता है कथे हो, और भी निकाल देता, और भी निकाल देता, समझा समझा कुछ, यानी दोनों को मिलकर कितना आना चाहिए था, सिर्फ बोलो चार, ठीक है यही अर्थ है इसका। हम लोग जानते ना दो चार वाले रेखीय समीकरण का हलों की संख्या कितना होता है बुआ, अनंत, कितना, हाँ दो नंबर क्वेश्चन देखिए बुआ कितना दे रहा है, एक्स माइनस वाई बराबर कितना, हाँ सॉरी दो, यही है, चलिए अब हम लोग इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, एक्स बराबर दो माइनस में कथी, माइनस में प्लस में कथी वाई, अब किसका वैल्यू रखिएगा, एक्स का कि वाई का, किसका वैल्यू रखिएगा, अरे उस पर ध्यान ना देना, पागल लड़का कुछ बोल रहता, किसका रखोगे, जो इधर रहेगा ना उसका वैल्यू रखना ठीक है। अब कहेगा तू सब कि इस उस क्वेश्चन में क्या किए हैं आप, कि एक्स को इधर लाए थे, एक्स को किधर लाए थे, इधर, वाई किधर रखते थे, हम कहे हाँ वैसे किए थे, इस बार भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते, तनका सा ध्यान दो, ये लाइन को मान लो कि तनका दे ना है, यहाँ पे ध्यान दो, क्या कर सकते हैं इसको मिटा दे तनका दे, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्स को उधर भेजना तो माइनस में वाई रह जाएगा बराबर उनका थी दो है, ये है अभी माइनस में हो जाएगा, अच्छा यहाँ माइनस अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं ना लग रहा है तो झंझट ना हो जाएगा ज्यादा उन्हें भेज, तो इसलिए जो क्या किए हैं, जो माइनस में था उसको भेज दिया, एक्स को क्लियर है इधर उधर भेजने की जरूरत ना है, इसलिए एक्स को जस के टच होती है, एक्स को भी इधर रख के बना सकते हो या वाई को भी इधर रख के बना सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं, चलो छोड़ देता, बोलो एक्स इधर रहेगा वाई किधर चलेगा, उधर, कोई दिक्कत नहीं, वाई माइनस में इधर जाकर कथ में हो गया, तब किसका वैल्यू रखेगा बुआ, पहले हम डेक निकाल दे मान सारणी, चलो मान सारणी डेक निकाल देते ठीक है, क्या निकाल दो की तीन को, और तकला निकालोगे ज्यादा, एक सौ का ही कथी हो गया वाई, चलो इसका वैल्यू जीरो रखोगे कितना, वाई का रख रहा है ध्यान रखना, तो जीरो रखोगे तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, दो में जीरो जीरो कितना चार, वाह ताली बजाओ, दो में जीरो जीरो तो चार होगा, एक बार तो ताली बजाना चाहिए ना, एकदम पूरा इंडिया में सबसे तेज है, चलो ध्यान दो, वाई वाई ये देखो यहाँ पे वाई की जगह कितना रखोगे, एक दो पहले से आए एक, दो में एक जोड़ना तो कितना जगह, समझा रहा सबको, ब्रेक तो बंडा है, आइए फिर वाई की जगह कितना रखेगा, दो, दो बाद कितना हो गया बुआ, बोलो समझ आया, दूसरा वैल्यू भी ले सकता है, माइनस में भी ले सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं, आइए सर, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो ब्रेक निकल गया बुआ, डायरेक्ट निकल गया ना, आज हम मान के बनाते हैं, अब किसका किसको मानिए, वाई बराबर ना बुआ कितना है, वाई बराबर जीरो पर, यही आएगा आंसर, आंसर में चेंजिंग आने वाला नहीं, वाई बराबर कर लिया है जीरो पर, समीकरण लिख लो कितना है, दो प्लस कथी वाई,
दू के दू, वाई की जगह कितना हुआ? दू में जीरो जीरो, ये कोई फर्क पड़ेगा? आ गया ना। चलो डायरेक्ट कैसे बना से समझ में आ गया। चलो डायरेक्ट आगे क्या हम लोग बनाने वाले हैं, वाई बराबर कितना पड़ा? एक पर। समीकरण कितना है बताइए? एक्स बराबर दो प्लस वाई। यहाँ पे ध्यान हुआ, उतारो मत। दो के दो, वाई जब कितना? एक, तो दो एक तीन हो गया। चलो अब वाई बराबर कितना पर? दो पर। चलो समीकरण वाई सॉरी कितना है बुआ? एक्स बराबर दो प्लस वाई, तो दो आ प्लस यहाँ पे कितना रखे वाई की जब? दो दो आ दो चार। बोलो समझ में आ गया? तो सेम ना है, देखो यहाँ तो मान सदियों पहले ही लिख ले है, मिला लो। जीरो रखे तो कितना आया है? दो आया है। फिर एक रखे तो कितना? तीन आया है। फिर दो रखे हैं, देखो वाई का मान दो तो चार आया है। इधर परफेक्ट है, कोई दिक्कत? इसका मतलब यही है कि एक्स में से वाई को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए? दो। तो देखो ना, एक्स में से वाई को घटा रहे हैं, एक्स में से कथी वाई को घटा, दो में से जीरो घटेगा तो कितना? दो आ रहा है। तीन में से एक रहेगा तो दो आएगा कि नहीं? चार में से दो घटेगा दो आएगा कि नहीं? कहीं भी फंस रहे हैं हम लोग। ग्राफ आप लोग बना लीजिएगा, आप लोग ग्राफ बना लीजिएगा ना। हम इसे बना देते हैं, अंक चार तक है। अंक कहाँ तक है? कितना होगा बुआ? एक दो तीन और चार। एक दो तीन और चार। माइनस वाला है नहीं, हम नहीं दे रहे हैं, तो लोग देना होगा तो दे लेना, ठीक है? माइनस वाला नहीं है, देना चाहो तो दे दो, नहीं तो छोड़ दो। लो हो गया, दे दिए। चलिए कितना है? जीरो। वाई का वैल्यू कितना है? जीरो। तो वाई का वैल्यू जीरो किस अक्ष पे? एक्स अक्ष पे। प्रीतम कुमार ध्यान दो, हो गया? वाई का वैल्यू जीरो, एक्स का वैल्यू कितना? दो। तो जीरो कमा दो हो गया, जीरो कमा दू। सही लिखा है गलती से बल्ला बताओ, सही लिखा है गलती? जीरो कमा दो सही है कि गलती? क्या क्या होगा तो बताओ। हाँ पहले एक्स का वैल्यू लिखा जाता है, पहले कथी का? चलो ध्यान दे रहा है ना, तो पिटाई खा जाते हैं। कोई सक पका गया, ये कहाँ हो गया, गलती कैसे हो गया ना? चलो एक्स का वैल्यू कितना हुआ? तीन। वाई का एक, एक्स पर हाथ रखो तीन, वाई पर हाथ रखो एक। ए पर थोड़ा पहले इधर लिख दो ना, सही रहेगा। दो का मान कितना था? जीरो है ना। तीन और कितना है ना बुआ? कितना हो गया? तो तीन कॉमा तीन कॉमा, चलो आगे कितना बुआ? दो कॉमा चार, एक्स का चार वाई का कितना है ना? चार हो गया इधर से दो, दिख रहा है सब? तो चार कॉमा कितना हुआ? दो। ये ना लाइन है, इसको मिलाओ, कहाँ मिला है अपना देख लेना, कहाँ ग्राफ पे बनाओगे तो अच्छा मिलेगा, ठीक ना? और फिर समीकरण दे देना। बोलो समझ में आया? हाँ। चलो उतारो ग्राफ, जो है अभी ऐसी बना लो, घर पे जाके ग्राफ को भी बनाना, ठीक है? फटाफट बना लो, जल्दी उतार लो, दिक्कत होगा तो वीडियो भी देख सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझ में ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना देखिएगा आप? एक के तीन। चलो देखो सब फटाफट देखो, एक का तीन तो आसान दे दिया है क्वेश्चन। हाँ क्लियर है ना वो? हाँ चलो बना लोगे। कितना है एक का तीन? वाई बराबर कितना है? थ्री एक्स। डायरेक्ट बनाओगे? हाँ मान सारणी एक्स और वाई है ना, ध्यान रहे। किसका वैल्यू रखेंगे? किसका वैल्यू रखेंगे बताओ? एक्स है ना, एक्स का रखेंगे तो जीरो रखिए, तो सट्टा तो गुना में है ना रे? तो जीरो गुने तीन कितना जगह? बोलेगा फटाफट सब, रे कैसे कर रही है तू? अब कितना रखेंगे? एक, तो तीन एक कम तीन, अब रखेंगे दो, तीन दो ना, ठीक है? बोलो समझ में आ गया? हाँ बनाना भी चाहते तो बना लो, लिखेगा थी एक्स बराबर कितना? जीरो पर, समीकरण लिखोगे तीन एक्स है ना। चलो तीन और यहाँ पे एक्स के बराबर थी जीरो, तीन में जीरो से कथी आ गया, बोलो समझ में आ गया? हाँ डायरेक्ट बनाना, ये सब करने की जरूरत नहीं है, अभी सिखाना है, लेकिन डायरेक्ट बनाना आ जाना चाहिए, ठीक है? एक पर बिल्कुल देंगे, एगो कथी तीन चार गो देंगे क्वेश्चन। वाई बराबर कितना बुआ? तीन एक्स। कितना रखे हैं? तीन एक कम तीन, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है ना, ब्रैकेट का मतलब तीन एक कम तीन हो गया। चलो अब एक्स बराबर कितना रखेगा?
ऊपर, ठीक है। कितने हैं बुआ? वाई बराबर तीन एक्स, तो तीन और यहाँ पे कितना, तीन दुना सट्टा लगा गुना में छ हो गया, ठीक है। इसका मान सारणी आप लोग जो है मान सारणी तो हम लिख ही दिए हैं, इसे ग्राफ आप लोग का दिखीजिएगा बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना बाद बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर बोलो एक का चार, इसको देखो क्वेश्चन नंबर एक का चार क्या है, तीन बराबर यही क्वेश्चन है। अब भाई साहब उल्टा दे दिया है, हड़बड़ाना है नहीं नहीं हड़बड़ाना है तनको, आइए कुछ नहीं करेंगे, कुछ तो करेंगे मतलब तनका से काम करेंगे। तीन रहने दो, वाई रहने दो, ई फालतू के है, इधर भेज दो इसको, देख सो क्या वाई हमको क्लियर चाहिए था, चाहे इधर से चाहे चाहे इधर से, क्लियर हो गया वाई। डेक्ट बना मान सार डेक्ट बना भाई, कोई दिक्कत दो की तीन गो एक्स वाई, यहाँ पे कथी रखोगे जीरो, एक से जीरो रखोगे ना, तो जीरो में दूसरे तो खत्म, कितना बच गया बात, कितना बचेगा ई ना जीरो हुआ रे, ई ना गुना में था, तो जीरो तीन में से घट रहा है, तो जीरो घटाओ, जीरो घटाया क्या कर लो, कुछ नहीं होगा। आप कितना रखोगे यहाँ पे, एक रखोगे, एक से बोले कितना, तो दो एक कम, कितना बच गया, अरे घटेगा ना, घट रहा है पागल सा, तीन में से दो गया ना, दो के हम दो, तो तीन में से दो गया तो एक ना बचेगा, साफ पगलेटे है का, दो रखोगे यहाँ पे, तो दो ही दो ना चार माइनस में और तीन प्लस में, माइनस में वो खाली बोला है सही, बाकी सब जो है एक ना बोला है तो गलती ना, माइनस एक ना होगा, बोलो समझ आ गया सबको, तो डायरेक्ट बनाया हम लोग। यदि सोल्यूशन से बनाना चाहे तो किसका वैल्यू रखेगा बुआ सर, एक्स बराबर कितना जीरो पर, तो आइए सर तीन माइनस दो एक्स बराबर कथी ए ना समीकरण है, चलिए तीन के तीन माइनस दो यहाँ पे कथी ब्रैकेट जीरो है ना, वाई लेके चलना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेके चलो चाहे छोड़ दो, कथी हो जाएगा जीरो बराबर वाई, कथी हो गया तीन है बुआ, वाई का वैल्यू कितना गया बोलिए, चलिए फिर एक्स बराबर कितना एक पर, फिर समीकरण लिखिए थ्री माइनस टू एक्स बराबर कितना बुआ वाई, तीन माइनस दो और यहाँ पे कितना एक बराबर कती वाई, तीन घटे दो कम दो बराबर कती वाई है ना बुआ, तीन में से दो गया कितना हो गया एक बराबर वाई आ गया, फिर एक्स बराबर कितना रखेगा दो पर, समीकरण लिखिए तीन माइनस दो एक्स बराबर कती वाई, उल्टा से कोई मतलब नहीं है रे, तीन घटे दो यहाँ पे दो बराबर कितना वाई, तीन माइनस कितना दो दुना चार बराबर वाई है ना, तो तीन में से चार गया कितना माइनस एक बराबर का थी वाई, ये सब ना आया है, चलो मिला तो जीरो लिए थे कितना आया तीन आया, फिर लिए एक लिए थे कितना आया एक आ गया, और फिर दो लिए थे कितना आया माइनस आ गया ना, चलो इसका भी ग्राफ बना लोगे, चलो एक बार हम बता देते हैं यहाँ पे उतारना है नहीं, आप लोग फटाफट घर से उतार लेना, ये हो गया इसका ग्राफ, किसका इसका बना रहा है, कितना तक अंक है भाई छह तक, एक दो तीन चार पांच, एक्स का वैल्यू छह तक है ना, छह ये ना है वाई का छह तक है, चलिए कोई दिक्कत ना, देखो बात बंद करो, एक दो तीन चार पांच छ माइनस एक माइनस दो एक दो है ना, ये हो गया एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश, चलो बना भाई जीरो जीरो, तो जीरो जीरो हो गया जीरो मूल बिंदु होता है ना, एक तीन एक्स का एक वाई का कितना हो गया, कितना लिखेगा एक तीन, बाद में हम लिख देंगे ठीक ना, एक तीन बाद में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कचरा हो जाएगा अभी ध्यान रखना, चलो आए कितना है दो छ दो है ना, बोले है यहाँ कितना था एक तीन दो छ
जा। चलिए तो इसका ग्राफ बन गया, ये वाला हो गया ना। चार नंबर की ग्राफ आप लोग बना लीजिएगा। ओके ठीक है, थोड़ा कट गया था वीडियो हुआ ना। अब जो है आपको कथी चाहिए होमवर्क और बच्चा रहे इसमें क्वेश्चन तभी और है, लेकिन ग्राफ वाला यहाँ तक एक में क्या दे था, चार चारों बता दिए ना। चलिए कुछ होमवर्क दे रहे हैं भारतीय भवन से, ठीक है, इसको सॉल्व करके आएगा सब कि नहीं। यार क्वेश्चन हमारा लिख लेते। चलिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग अति कीजिए। और भी देखें कल है, लेकिन पहले इतना लिखो क्वेश्चन कितने लिखे। चलो इधर दे रहे हैं, ठीक है, इधर दे रहे हैं, इधर नीचे सबसे अच्छा। y बराबर 2x, ये क्वेश्चन ही है, ठीक है। एगो है x प्लस वाई बराबर 7, ठीक है, समझा। एगो है x माइनस 2y बराबर 4, इसको बना के लाइएगा। तीन को क्वेश्चन ही होमवर्क है, ये सबसे ग्राफ बना के लाइएगा, ठीक है। चलिए आज फिर मैथ रहने दीजिए।